हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम्स लर्निंग एंड दिस इज सकीना आनी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले डार्क रियलिटी ऑफ योर प्रैक्टिकल एग्जाम। तो बहुत सारे बच्चे टेंस चल रहे हैं यार कि हमारा प्रैक्टिकल नहीं अच्छा गया है, मेरे प्रैक्टिकल में मार्क्स कम आने वाले और इट अफेक्ट्स माय बोर्ड एग्जामिनेशन। तो क्या ये बात सही है, प्रैक्टिकल में कोई फेल हो सकता है? कितने एवरेज मार्क्स है जो हमको अवॉर्ड हो सकते हैं? काफी सारे क्वेश्चंस तुम्हारे मन में चल रहे हैं, क्या वाइवा में क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा? ये सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूं। चलिए यार शुरू करते हैं। और इफ यू आर न्यू टू माय चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके डूबने से नहीं आते, सिर्फ मैं ही बचा सकती हूँ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की आखिरकार रियलिटी क्या है। बच्चों आपके स्कूल वाले काफी ज्यादा आपको डरा देंगे कि यार प्रैक्टिकल में अच्छा करो, कॉपी अच्छे से मेंटेन करो, वाइवा में मार्क्स नहीं आए तो आपको प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स अवॉर्ड नहीं होंगे। अगर प्रैक्टिकल में अच्छे से नहीं लिख के आए, टेबल गलत बना दिया, ये कर दिया, तो सब में मार्क्स आपके क्या हो चले गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सारी फेक बातें हैं बच्चों। जो ट्रुथ है वो आप लोग का ये है कि प्रैक्टिकल मार्क्स में आप लोग के 12th वालों को 30 मार्क्स अवार्ड होते हैं आपके प्रैक्टिकल्स के, 10th वालों को भी 20 से 30 के बीच में आपके प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं। बात करते हैं बच्चों कि आप लोग के कितने एवरेज मार्क्स है जो कि बच्चों को अवार्ड किए जा सकते हैं। तो अगर आप एक ब्रिलियंट और ब्राइट स्टूडेंट है, आपको मैं लिख के दे सकती हूँ 30 out of 30 आपके एग्जामिनर आपको मार्क्स दे रहे होंगे। ये सारे मार्क्स आपके एग्जामिनर से ज्यादा आपके स्कूल वालों के हाथ में होते हैं प्रैक्टिकल के मार्क्स, ठीक है। अब बात करते दीदी कि कोई बच्चा ऐसा है जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स में फेल हो सकता है? तो बच्चा यहाँ पर अब बिग नो, कोई भी बच्चा प्रैक्टिकल एग्जाम्स में फेल नहीं हो सकता है। इसके पीछे का रीजन बताती हूँ, सुनो सब्र करो। इसके पीछे का बच्चों रीजन ये है कि कोई भी स्कूल नहीं चाहता कि हमारी रेपुटेशन दाव पे लगे। यार कैसे उनकी रेपुटेशन दाव पे लगेगी? आप अच्छे नंबर लाओगे तो उनकी स्कूल का रिजल्ट अच्छा आएगा और नेक्स्ट ईयर उनको एडमिशन ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। अब तुम्हारे मन में एक और डाउट आ गया, दीदी ये जो बात आप कर रहे हो ये तो प्राइवेट स्कूल वालों के लिए, बट हम तो गवर्नमेंट स्कूल वाले ठहरे, हमारे पास ऐसे कहाँ नसीब है। ऐसा नहीं है बच्चों, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल वाले टीचर ये नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे का रिजल्ट अच्छा ना आए। तो इस चीज की परेशानी, शिकायत, दुख, दर्द, पीड़ा छोड़ दो कि हमें प्रैक्टिकल में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। कोई बच्चा उस केस में फेल हो सकता है कि जो 2-3 बार ऑलरेडी फेल हो चुका है क्लास 12 में, और उसने यार टीचर के साथ हरकतें इतनी खराब कर रखी है, रिकॉर्ड इतना खराब है कि तुम्हें तो खुदा भी नहीं बचा सकते, बस इतना समझ लो। बात करते कि दीदी जो एक्सटर्नल मार्क्स दे के गया वो फाइनल मार्क्स होते क्या? अगर मैंने वाइवा अच्छा नहीं दिया तो इस पर अफेक्ट करता है? तो हाँ बच्चों अफेक्ट तो करता है, बट इसके दो केसेस होते हैं। केस नंबर 1 कि आप लोगों ने अगर वाइवा अच्छा नहीं दिया बट आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, टीचर की नजर में आपकी इज्जत और आपकी इमेज काफी ज्यादा अच्छी है, तो आपका टीचर बोल देगा कि नहीं यार ये बच्चा मेरा काफी अच्छा पढ़ता है, इसने प्री बोर्ड्स में अच्छा स्कोर किया और इसका एकेडमिक्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, तो इसको इतने नहीं इतने मार्क्स अवार्ड होने चाहिए। तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपके मार्क्स इंक्रीमेंट हो जाएंगे। केस नंबर 2 पर बात करते हैं, आप बड़े शरारती बच्चे हो, बैक बेंचर हो, टीचर से नहीं बनती है, जो टॉपिक एक्सटर्नल ने पूछा था वाइवा में वो बहुत अच्छे तरीके से आपने आंसर किया है, तो आपका एग्जामिनर या एक्सटर्नल बोल सकता है कि ये पर्टिकुलर इस एक्स बच्चे ने इसका आंसर बहुत अच्छा किया है, तो इसको उतने ही मार्क्स अवार्ड होने चाहिए। तो दोनों केस आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल है, ठीक है, आपका तो घाटा कहीं से कहीं तक भी इसमें नहीं है। बच्चों बात करते बच्चों कि आप लोग के प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स एवरेज अवार्ड होते हैं, तो अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है तो उसको भी 28, 29 या 30 मार्क्स तो अवार्ड होते ही होते हैं। मतलब तुम ये सोच लो यार कि अगर तुम स्लो लर्नर भी हो ना तो हर स्कूल वाले 25 से ऊपर मार्क्स आप लोग को देते हैं। मेरी बहन, मेरी दोनों बहन खुद स्कूल में टीचर हैं, खुद एग्जामिनर बन के दूसरे स्कूल्स में जाती है, तो उनको पूछ के ये वीडियो मैंने बनाई है, ठीक है, तुम बोलोगे तो वीडियो में उनको साथ में लेके आ जाऊंगी। बात करते ये 30 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं, सबको अच्छे नंबर आएंगे, ये लिख के रख लो तुम, ठीक है, किसी भी स्कूल से हो तुम लिख के रख लो। जो थ्योरी है ना इस पर ध्यान दो, ये थ्योरी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके नंबर तुम्हारे स्कूल वालों के हाथ में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। वो तो यही है कि सीबीएसई जो नंबर अवॉर्ड करेगा उसी नंबर को आपका रियल नंबर माना जाता है और उसी से आपका रिजल्ट प्रिपेयर होगा। तो इस थ्योरी पर बिल्कुल बच्चों ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। इस थ्योरी के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, सारे वन शॉट्स मेरे देख लेना, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज आदि वो देख लेना। साथ ही साथ बच्चों आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि सीबीएसई की फर्स्ट चॉइस बुक है। यार दीदी इस बुक में ऐसा क्या है जिससे हमें 98% आ सकते हैं? तो चलिए बताती हूँ। इस बुक में बच्चों आप लोग को सबसे पहले यहाँ पर मिल जाएगा सैंपल क्वेश्चन पेपर है आप लोग का, ठीक है, जो कि मतलब इस साल जो रिलीज हुआ था। साथ ही साथ ब्लू प्रिंट भी, मतलब आपकी ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है कि कौन से चैप्टर के कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले, मतलब 1 नंबर से कितने क्वेश्चन आने वाले, 3 नंबर से कितने क्वेश्चन आने वाले, ये होता है, ठीक है, जिससे कि यू विल गेट एन आइडिया कि अगर मेरे ये चैप्टर वीक है तो इसमें कितना घाटा है और अगर ये स्ट्रांग है तो कितना फायदा है, ठीक है।
साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो इसमें आप लोग को बच्चों 6 सॉल्व्ड पेपर्स दिख रहे हैं और कुछ 4 अनसॉल्व्ड पेपर्स दिख रहे हैं। तो दीदी ये जो 4 अनसॉल्व्ड पेपर है, अब इनके सॉल्यूशंस कहां से लाएंगे यही सोच रहे हो। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने यहाँ पर 7th आप लोग का अनसॉल्व्ड पेपर डाला हुआ है जिसपे आपको यहाँ पर एक बार कोड दिख रहा है ना, इसको स्कैनर से स्कैन कर लेना अपने फोन में, देन यू विल गेट अ कंप्लीट आंसर शीट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर। अब बात यह है ईमानदारी से इसको सॉल्व करना, ऐसा नहीं है कि यार मैंने बता दिया तो इसी तरीके से हम आंसर शीट पहले से ला दें। एक प्रॉमिस करके जाओ कि दीदी अगर मैं जिस भी सब्जेक्ट की बुक ले रहा हूँ या ले रही हूँ तो मैं जो अनसॉल्व्ड पेपर उसको पूरी ईमानदारी से सॉल्व करूंगी, उसके बाद देखूंगी कि मेरे कितने आंसर सही हैं। और तुम अपने आप को मार्क्स भी अवॉर्ड करना जिससे तुम्हें पता चलेगा कि कौन से पर्टिकुलर चैप्टर से तुम लैग कर रहे हो, ठीक है? तो वो चीजें तुम्हें खुद में ही समझ में आने लग जाएगी। इस तरीके से ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना डेफिनेटली यार तुम लोग 15 दिन के अंदर प्रो बन जाओगे। करके देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों? एक नॉमिनल सा प्राइस है, मैं बहुत ज्यादा हाई रेटेड वाली बुक आप लोग को प्रमोट वैसे भी नहीं करती हूँ। अगर मैंने किसी बुक का रिकमेंडेशन दिया तो डेफिनेटली वो बुक बहुत डेफिनेटली अच्छी ही होगी। और बात करते बच्चों यहाँ पर आप लोग की, अगर आप लोग यहाँ पर इनका osval.io पर अगर वेबसाइट पर जाते हो, यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन सैंपल पेपर्स को दे सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप फिनिश करोगे आप लोग का 3 घंटे का पेपर, एक एक्सटर्नल आप लोग को आपकी आंसर शीट को चेक करके दे रहा होगा और मार्क्स अवॉर्ड करके देगा कि आपने यहाँ पर्टिकुलरली गलती करी और इतनी चीजें आप लोगों ने अच्छे तरीके से सॉल्व की थी, तो जिससे कि आपका ही बिल्कुल फायदा है एंड आपको एक एनवायरमेंट मिलेगा जैसे कि आप सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठे हो, ठीक है? तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना। इसमें से अगर आप लोग जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हो उसकी बुक जाके ले लेना, जैसे मेरे पास यहाँ पर साइंस की बुक है। इफ यू आर वीक इन मैथ्स तो मैथ्स की ले लो, एसएसटी में वीक हो तो एसएसटी की ले लो, और अगर साइंस में अच्छे हो तो साइंस के पीवाई क्यों सॉल्व कर लो, ठीक है? बात करते हैं यहाँ पर जो भी आप लोग के जो प्रैक्टिकल्स है ना, इस पर इतना टाइम मत वेस्ट करो, प्रैक्टिकल कॉपी सजाने में इतना टाइम वेस्ट मत करो। जितने मार्क्स तुम्हें मिलने हैं ना उतने ही मिलेंगे, तो भाई कॉपी सजाने से 4-5 नंबर एक्स्ट्रा नहीं दे देंगे तुम्हें, ठीक है ना? साथ ही साथ वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यार एटलीस्ट एक टॉपिक प्रिपेयर करके जाना अपने किसी भी चैप्टर से, जो चैप्टर तुम्हें अच्छा लगता हो उसका एक टॉपिक ऐसा प्रिपेयर करके जाना कि तुम्हारा एग्जामिनर चाहे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, चट्टान की बिल्कुल ऊंचाई से क्वेश्चन पूछ ले, तब भी तुम्हें आंसर करते आ जाना चाहिए। और जितने भी प्रैक्टिकल्स है ना उनके एम अच्छे तरीके से समझ के जाना, ठीक है? अगर पता चला कि तुम्हें एम ही नहीं आता है उसका कि इस प्रैक्टिकल में करना क्या था और तुम सिर्फ रट्टा मार के गए थे, तो सीरियसली तुम्हारा एग्जामिनर तुम्हारे ना नैया पार लगा देगा, समझ जाएगा कि तुमने उसको बेवकूफ बनाया, तुम्हें आता कुछ नहीं था, ठीक है? ऐसी हरकतें बिल्कुल ना करें, आपसे हाथ जोड़कर विनती है बच्चों। टिल देन कीप लर्निंग, सारी चीजें मैंने अपलोड कर रखी है इसी चैनल पर। इफ यू वांट समथिंग एल्स फ्रॉम माय साइड प्लीज कमेंट मी डाउन, तो मैं आप लोगों की बोर्ड्स में जल्दी से जल्दी हेल्प कर सकूं और मैं गॉड ब्लेस यू विद 98% और 99% इन बोर्ड्स एग्जामिनेशन। तो आप लोग चाहते हैं मैंने मैथ साइंस और एसएसटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आप लोग को 98% दिला सकते हैं वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड कर दिए, तो जल्दी से जाइए उन वीडियोस को चेकआउट कर लीजिए, ये रही सारी वीडियोस, और जल्दी से अपने 98% लाने का फिक्स कर लीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।